नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी की, जो मंथन कर रही है और आगे की रणनीति तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव में खराब रिजल्ट के बाद से यूपी बीजेपी लगातार समीक्षा कर रही है, हार पर मंथन कर रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने साफ कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से नुकसान हो जाता है कई बार, लेकिन कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा है पार्टी का संगठन। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आगे की रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम योगी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंथन के मंच पर आए और अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई तो भविष्य के लिए रोड मैप भी बना। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से 2022 तक बीजेपी यूपी में कामयाब रही, 2024 में भी बीजेपी वोट पाने में सफल रही, लेकिन अति आत्मविश्वास से नुकसान होता है। विपक्ष फिर से उछल कूद कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बीजेपी को यूपी में मिली हार को लेकर लखनऊ में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हार की वजहों को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाराज कार्यकर्ताओं के असंतोष को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लखनऊ में आयोजित बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही 2024 के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन 2027 में बीजेपी फिर से अपने सामर्थ्य को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करेगी। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनावी व्यू तैयार कर रही है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा दिया है। आरएलडी की जहां खैर, गाजियाबाद और मीरापुर सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा है, तो वहीं निषाद पार्टी मझवा और कटेरी विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इसमें अभी 3 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी के सामने 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती है। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ ही बाकी दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव की सभी 10 सीटें हम जीतेंगे। उपचुनाव की अभी से तैयारी करनी होगी,
किसी भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। यूपी में उपचुनाव को लेकर एनडीए में सीटों पर मंथन शुरू हो गया है। ऐसे में आरएलडी ने भी 3 सीट पर दावेदारी ठोक दी है। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित आरएलडी ने बिजनौर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की सदर सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ना चाहती है। मीरापुर से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। वहीं आरएलडी पदाधिकारी का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला ही फाइनल होगा। मीरापुर की सीट है जिस पर कि हमारे विधायक चंदन चौहान जी लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, तो एक तो सीट वो है। और ऐसे अगर देखें तो अलीगढ़ में खैर ऐसी सीट है जहां के समीकरण ऐसा कहते हैं कि यदि वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट आती है तो वहां पर परिणाम बहुत ही सकारात्मक हो सकते हैं। इसी तरह गाजियाबाद सदर की भी बात हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस मन से और इस मनोयोग से काम कर रहे हैं कि वो सीट किसी के भी पास जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी उस पर लड़ती है या राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है, वो विजय हमारी होनी चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी उम्मीद जताई है कि वो एनडीए में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। हालांकि उनका मानना ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला उन्हें मान्य होगा। अभी हम लोग उपचुनाव, तो पार्टी खड़ी बड़ी होती है, चुनाव लड़ने के लिए होती है, जीतने के लिए होती है। अब ये चिंतन हो रहा है और चिंतन हो रहा है, जो कमियां हैं उसे सुधार किया जा रहा है और हम लोग पूरे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि पहले पिछले बार मैंने 11 सीटें ली थी जिसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो कभी भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन मैं उसमें से लगभग सभी जीते और उसमें 3 सीटें हारे थे, उसमें कटहरी भी हार गए थे। और उस समय चूंकि कम समय था और हम लोग अपनी पार्टी के लोगों को उतना बढ़िया लगा नहीं पाए थे, अभी वहाँ कटहरी हम लोग जीतेंगे और फिर से हर जगह जीतेंगे। जहाँ मतलब वहाँ 10 सीटें हैं उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़कर उसे सही से लड़ेंगे। उपचुनाव वाली 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंद्रा की, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ सीट। इन 10 सीटों में से 5 एसपी के पास थी, 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी, 1 सीट आरएलडी के पास थी। अब देखना यह है कि बीजेपी इन उपचुनाव में विपक्ष को साधने के साथ सहयोगी दलों के बीच भी तालमेल कैसे रख पाती है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देहरादून में भी बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट्स पर हार की समीक्षा की जा रही है और इसी के साथ राज्य में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति भी तैयार की जा रही है। कार्य समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद हैं। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री, विधायक और मंडल लेवल तक के पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा हैं। उद्घाटन सत्र में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, साथ ही केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग समाज में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, कभी चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कभी जातिवाद, तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि शेर की खाल में छिपे ऐसे भेड़ियों को मेरा संदेश है कि उनकी चाल सफल नहीं होने देंगे। रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है।
सीएम योगी ने कहा कि अगर त्योहार मनाना है तो नियम के तहत मनाना है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थी, तारे टूट जाया करती थी, पेड़ों को काट दिया जाता था, लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। और इसी मसले पर संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि यूपी में मुसलमानों के त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है, ताजेदारों पर दबाव बनाकर छोटे ताजे निकालने का स्टेटमेंट जबरन लिखवाया गया। पहले 20 से 55 फीट तक के ताजे निकलते थे। बर्क ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिमों के धर्म का फिर सम्मान होगा। उसमें सिर्फ नमाज पढ़ के लोगों में मिलने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो जुलूस का प्रॉब्लम होता है उसमें जुलूस के तहत जब निकलते हैं तो यकीनन जो लोग सड़क खाली करते हैं वो डर से खाली नहीं करते। योगी जी पहले इस बात को कहने से पहले सोचे कि लोग डर से सड़क खाली नहीं करते, बल्कि दूसरे के सम्मान में सड़कों को खाली करते हैं। अगर हिंदू समाज का कोई त्यौहार कोई जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान डर कर खाली थोड़ी कर रहा है सड़क को, वो उसके सम्मान के लिए खाली करता है कि उनका जुलूस निकल जाए और कोई अड़चन पैदा नहीं हो। ये चीज़ दिखाना कि हम सड़कें जो खाली हो जाती थी ये लोगों को गुमराह करना है। कहा कि पेड़ नहीं कटेगा, तार नहीं कटेंगे, तो पेड़ तो कटता ही नहीं था, पेड़ कब कटे, तार जरूर कटते थे लेकिन तारों को नहीं कटवाया जा रहा, ये अपना आदेश उन्होंने थोपा गया है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी है तो वहीं अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारे लगे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की, अभी भी जांच चल रही है। कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में ये सब कुछ हुआ। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और ये स्थिति तब है जब कल ही कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की थी कि जुलूस के दौरान ना तो विवादित नारेबाजी करें, ना ही किसी दूसरे देश का कटआउट आप दिखाएं, स्लोगन दिखाएं, और तब ये स्थिति है। मुहर्रम जुलूस में विवादास्पद नारेबाजी को लेकर अब संत समाज नाराज है। संत परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने इसके पीछे जताई किसी बड़ी साजिश की आशंका और सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा, ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं।
और यूपी में मुहर्रम जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया। बोर्ड ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया कानून से। कहते हैं बीजेपी के आने से पहले भी तो वहां पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना, उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कभी कांवड़ियाएं की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर? और आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है किसने पैदा की? आप सब शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए।